हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? क्या आपसे सैमसंग का फोन लॉक हो गया है या आप अपने फोन का पासवर्ड पिन पैटर्न लॉक भूल गए हो? तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप घर बैठे सैमसंग का फोन अनलॉक कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा और हमें इस वीडियो में अनलॉक के दौरान कोई भी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर या भी पीसी कुछ भी यूज नहीं करना है, ठीक है? तो आप घर बैठे ये ट्रिक कैसे सीख सकते हो, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप भी घर बैठे सैमसंग का कोई भी मॉडल हो, सैमसंग का कोई भी फोन हो, लॉक है, पासवर्ड पिन पैटर्न भूल गए हो, तो आप घर बैठे अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। तो कैसे करना है, आइए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। वीडियो पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे से न्यू वीडियो एंड न्यू ट्रिक आप सभी के लिए मैं यूट्यूब पर अक्सर लाता रहूं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें अनलॉक करने से पहले अपने फोन को ऑफलाइन मोड में लेके जाना होगा। यदि आपके फोन में सिम कार्ड होगा तो सिम कार्ड निकाल लेना, नहीं तो एयरप्लेन मोड के ऑप्शन को ओपन कर लेना। एंड देन इसके बाद आप लॉक स्क्रीन पेज पे आओगे तो आपको यहाँ पे पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक दिखेगा, बट आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन मिलेगा, इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है? इसके बाद डायल पैड को ओपन करके यहाँ पे अगस्त सीजन का FRP अनलॉकिंग कोड दिया जाएगा जिससे आपका FRP बाईपास होगा। तो इस कोड को आप डायल करके FRP बाईपास कर सकते हो घर बैठे बिल्कुल फ्री में, आपका FRP बाईपास हो जाएगा। बस इस कोड को करना क्या है, एक्टिवेट करना है सर्विस सेंटर से। कॉल पे क्लिक कीजिएगा, आपके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको यहाँ परमिशन में ओके कर देना है एंड देन इस कोड को हटा लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे दूसरा कोड अप्लाई करना होगा जिससे आपका कोई भी डाटा डिलीट ना हो। बस डाटा को रिकवर के लिए इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, आपका एक भी डाटा डिलीट नहीं होगा। तो इस कोड को चलिए फटाफट डायल कर लीजिए जिससे आपका पूरा डाटा सेफ हो जाए। बस हमें वही काम करना है, एक्टिवेट करना है। कॉल करेंगे, स्क्रीन पे फिर नोटिफिकेशन आएगा, ओके पे प्रेस करके इस कोड को फिर हटा देना है। एंड देन इसके बाद हमें होम स्क्रीन पेज पे आना है, फिर लॉक स्क्रीन पेज पे आ जाना है। अब हमें फिर से इमरजेंसी SOS इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे डायल पैड को ओपन करके हाई रीसेट कोड यूज करेंगे, *8999#। इस कोड को डायल करते ही आप एक आफ्टर सेल पेज पे आओगे या फिर इंजीनियर मोड के फाइल पे। यहाँ पे आपको बहुत तरह का ऑप्शन होगा, बट आपको वही ऑप्शन यूज करना है जिससे आपका हैंडसेट अनलॉक हो सके। हमें मैनुअल केस के ऑप्शन को क्लिक करके ओपन कर लेना है। सेकंड नंबर डिवाइस के ऑप्शन पे आएंगे, नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एम सेंसर ऑटो टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। एम सेंसर ऑटो टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका टेस्ट सक्सेसफुल इसलिए हो जाएगा, जो अभी अभी आपने दो कोड अप्लाई किए थे वो टेस्ट पास हो चुका है। बैक कर लेंगे, फिर सबसे लास्ट वाले पेज पे जाएंगे, अदर्स पे। अदर्स पे आते ही आपको रीड दैट इम्पोर्टेंट लॉक टेस्ट पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे कोड अप्लाई करना होगा, *8999#। इस कोड को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही कॉल कट कॉपी शेयर एंड देन 3 डॉट का ऑप्शन आएगा। बस आपको सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करना है, मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, मैसेज पे क्लिक करना है। मैसेज पे क्लिक करते ही आपका एक मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा, होम बटन क्लिक कीजिएगा, आपका सैमसंग का हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा बिल्कुल फ्री में, बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।